लाइट डिटेक्टर जैसे लगाएंगे, पूरा शरीर गवाही दे रहा होता है कि आदमी झूठ बोल रहा है। पूरा दबाव आता है आपके ऊपर, हार्ट पर दबाव आएगा, ब्लड प्रेशर पर दबाव आएगा, मस्तिष्क पर दबाव आएगा, आपके रोम रोम पे दबाव आता है, लेकिन सच कहते हुए दबाव नहीं आता। ये स्वाभाविक है, सत्य स्वाभाविक है। तो पहली बात, सत्यता और विश्वास कायम रखना धर्म है। दूसरी चीज कही गई है दम। दम का अर्थ हुआ कंट्रोल करना, ब्रेक का इस्तेमाल करना। अब ये बात सोचने वाली है, सभी के पास भगवान ने एक ब्रेक दिया है, पर हम लोग तो उसको चलाना भी भूल गए, प्रयोग करना भूल गए। गाड़ी में स्पीड एक्सीलेटर भी हो और सही स्टीयरिंग भी, लेकिन ब्रेक ना हो तो ऐसी गाड़ी में कोई बैठना चाहेगा? जिस गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए और ड्राइवर सवारियों को यह बता दे ब्रेक फेल हो गया, आधा हार्ट अटैक तो आदमी का उसी समय हो जाता है। आप जरा सोच के देखिए, स्पीड से गाड़ी चल रही हो, ढलान पर हो और पहाड़ी रास्ता हो, और चुपचाप धीरे से ड्राइवर सबको कह दे भाई सावधानी से बैठना ब्रेक फेल हो गया, हालत क्या होगी? उस जिंदगी के बारे में सोचिए कि जो बहुत तेजी से तो दौड़ता है लेकिन ब्रेक बिल्कुल नहीं। हम सब वो लोग हैं जिनका ब्रेक काम ही नहीं करता। गुस्से में आ जाएंगे तो गालियां निकलेंगी मुंह से, ब्रेक लगेगा ही नहीं। लालच में आए तो ब्रेक लगाएंगे नहीं, कहीं भी अपने ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते, सीखा ही नहीं लगाना। मां बाप को शुरुआत में बच्चों को सिखाना चाहिए ब्रेक इस्तेमाल करना। जब भी बच्चे कुछ गलत बोलने लग जाए वहीं टोको और रोको, कहो बेटा ऐसे नहीं बोला जाता, ऐसे व्यवहार नहीं किया जाता, अच्छे लोगों का ये व्यवहार होता है। तो उसका मतलब ब्रेक लगाना सिखा रहे हो। जब आप ब्रेक लगाना सिखाते हैं बच्चों को तो ये ब्रेक पावरफुल होता जाता है। आदमी जो है दूसरों की निंदा करती हुई जबान को रोक लेगा, दूसरे का अपमान करते हुए अपने आपे को रोक लेगा। कोई भी बात ऐसी जो गलत होगी उस समय अपने आप को रोक लेगा जब उसके अंदर विवेक होश रहे और साथ में इस ब्रेक का इस्तेमाल। तो सबके पास में एक ब्रेक है, नियंत्रण करने की शक्ति है, इस ब्रेक को इस्तेमाल करो। और अगर ये नहीं आता आपको तो फिर ये बात ध्यान रख लेना, आप अंदर से इतने कमजोर हो जाते हैं कि फिर आपके ऊपर दूसरे नियंत्रण करते हैं, दूसरे लोग ब्रेक लगाते हैं। कैसे? कोई भड़का देगा, कोई बहका देगा, कोई लड़ा देगा, कोई निराश कर देगा आपको, क्योंकि आपका ब्रेक दूसरे लोग अपने हाथ में लेते हैं, आप कठपुतली बन जाते हैं। कठपुतली ऐसे बन जाते हैं कि दूर से कोई भी आदमी अपना रिमोट कंट्रोल चलाए और आप जो है वैसे घूमने लग जाओगे, कोई तारीफ कर दे फूल जाओगे, किसी ने निंदा कर दी तो गर्दन झुक गई, किसी ने गुस्सा दिला दिया लड़ने मरने को तैयार, किसी ने बहका दिया तो अपने माँ बाप के खिलाफ खड़े हो जाओगे, क्योंकि आपने बचपन से सीखा ही नहीं नियंत्रण क्या चीज है। आप अपनी राय नहीं बना सकते, दूसरे लोग आपकी राय बनाते हैं। आप अपने हिसाब से नहीं चलते, दूसरों के हिसाब से चलते हैं। कुछ लोग तो ऐसे छुई मुई का पौधा होते हैं, एक पौधा होता ना जिसको छुई मुई का पौधा बोलते हैं, कुछ लोग उसको लाजवंती भी बोलते हैं। लाजवंती महिलाओं का एक अच्छा नाम है, लेकिन लाजवंती का पौधा देखें तो वो ऐसा होता है अगर उसको उंगली से टच कर दें तो पूरे पत्ते उसके मुरझा के नीचे लटक जाएंगे। स्कूल जाते हुए हम लोग भी देखते थे, जहां जहां ये पौधा होता था तो वहां जाके उसको छूते थे तो उस पौधे के सारी पत्तियां नीचे मुरझा जाती थी। फिर उसके बाद हम 2-4 मिनट तक खड़े होकर ये देखा करते थे कि कब उसकी पत्तियां ठीक हों, फिर दोबारा से उंगली करें। तो ये खेल खेलते थे,
तो जिनकी तरफ उंगली करने से लोग मुरझाते हो, लोग जो है लाइन में खड़े रहते हैं, अब की बार तुमने उंगली करी, अब की बार मैं करता हूं। अगर आपको मुरझाने की आदत है ना, दुनिया तो तमाशा करती रहेगी, और जिस पौधे पर डंडा मारने से भी कुछ नहीं होता, लोग कहते हैं टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं, तो ऐसे मजबूत पौधे बनो कि आपकी तरफ कोई उंगली करे या फिर कुछ भी करे, आप अपनी जगह वैसे हंसते मुस्कुराते हरे भरे नजर आते रहो, तब तो आपको जीना आ गया, नहीं तो दुनिया का तमाशा बन जाओगे आप, और दुनिया आपको तमाशा बनाती रहेगी। घर के बोले या बाहर के, दुनिया का तो काम है दूसरों को निराश करना, निंदा करना, आलोचना करना, मजाक उड़ाना, हंसना, टोक देना, बाधा पैदा कर देना। दुनिया अपना काम करेगी, लेकिन जो अपने आपे में मजबूत होकर धीर बनकर, धीर को कुछ लोग बोलते हैं धाकड़, धाकड़ है ये, तो ऐसे धीर बनकर चलिए कि जिसके ऊपर किसी का असर नहीं हो, और अगर हो तो अपने विवेक से अपनी बुद्धि से ही आपने अपना निर्णय लेना है। जब आप खुद को ऐसे ट्रेंड करते हैं तब आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी बनती है। ये धर्म है, और ये अपने अंदर इन चीजों को लाने के लिए एकांत में अकेले बैठ करके सोचा करो कि आप क्या हैं। और देखिए एक बात और, आज जैसे आप अपने आप को बना लेंगे तो अगले जन्म तक वो प्रभाव आपके अंदर रहेगा जरूर। तो स्वयं को आपको व्यवस्थित करना है, स्वयं पर आपको खुद ही काम करना है। जैसे आप अपने घर को सजाते हो ना, आप अपने गहनों की, कपड़ों की डिजाइनिंग करते हो, तो वैसे ही आप जिंदगी की डिजाइनिंग भी करो, खुद को भी सजाओ। ब्यूटी पार्लर में जाकर नहीं है, अच्छे गुणों से सजाओ, अच्छे व्यवहार से, अच्छे स्वभाव से, फिर उसका आनंद भी लो, उसका मजा लो, अपने बड़प्पन का मजा लो, अपनी ऊंचाई का स्वाद लो, अपने अंदर अच्छा होने का जो गौरव होता है, क्योंकि तब आप देवता बन जाते हैं, उस गौरव का अपना प्रभाव होता है। और ऐसे लोग जल्दी किसी चीज से ना तो रोते, ना रूठते, ना घबराते। तो पहली बात हुई अपना विश्वास कायम करना, सत्य को स्थापित करना। दूसरी बात हुई दम नियंत्रण करना, ब्रेक का इस्तेमाल करना। तीसरी बात तपह, तपस्या करते हुए आत्मा की शक्ति को बढ़ाना। तपस्या करते हुए मतलब अपनी बर्दाश्त करने की ताकत को इतना बढ़ाओ कि न गर्मी, न सर्दी, न मान, न अपमान, न उन्नति, न अवनति, कोई भी किसी भी प्रकार का विपरीत वातावरण क्यों ना हो, कोई भी चीज आपको डावाडोल न कर सके। क्योंकि ये जो संसार है, ये ऐसा संसार है जिसमें दो विपरीत चीजें आपके सामने हमेशा होती हैं, जिसके बीच जिंदगी चलती है। काले के साथ सफेद, दिन के साथ रात, गर्मी के साथ सर्दी, और सूखे के साथ बरसात। ये दो चीजें एक दूसरे से विपरीत इस दुनिया में दिखाई दे, कोमल कठोर, उन्नति अवनति, मान अपमान, सुख दुख, हर वो चीज जो भी आपकी जिंदगी में है वो दो विपरीत चीजें होंगी, और दोनों के कारण ये दुनिया अच्छी भी है और बुरी भी है। आप जो खाना खाने बैठते हैं ना, तो मीठे के कारण नमकीन अच्छा लगता, नमकीन के कारण मीठा अच्छा लगता। रोटी सूखी होती है और गीला करने के लिए आप दाल सब्जी इस्तेमाल करते हैं, सूखा सूखा तो खाया नहीं जा सकता ना, तो दोनों चीजें चाहिए साथ साथ, एक ही तरह की चीज नहीं चाहिए।
इसलिए स्त्री पुरुष एक कोमल एक कठोर। और कमाल यह है कि जब आप एक चीज के चरम पर पहुंचते हैं, जैसे आपने मीठा खाया, मीठा खाते खाते उसका चरम बिंदु आ गया, चरम बिंदु आएगा कि आप 2-4 रसगुल्ले खा सकते हैं, 6 खा लेंगे, 6 खाने के बाद आप कहेंगे अब मन भर गया। आदमी कहेगा पेट में जगह नहीं है क्या? कहता पेट में तो जगह है, मन में जगह नहीं है। अब क्या चाहिए? मीठे के बाद नमकीन, अब नमकीन खिलाइए। नमकीन खाने के बाद आदमी कहता है अब प्यास लगने लग गई, पानी पिएंगे आप। उससे विपरीत वाली चीज चाहिए। दो कंट्रास्ट वाली चीजें जब साथ में होती हैं तो सुंदरता बनती है। तो कहते हैं इस दुनिया में ये दोनों चीजें रहेंगी। अब दोनों चीजों में जिस आदमी को बर्दाश्त करना आ गया, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, सुख हो या दुख हो, जो बर्दाश्त करके बैलेंस बनाना सीख गया उसकी जिंदगी में धर्म आ गया। और जिसने बैलेंस करना नहीं सीखा वो दुखी दुखी रहेगा, क्योंकि वहां फिर अधर्म हो गया। तो रोना हंसना चलेगा, अनुकूल प्रतिकूल चलेगा, उन्नति अवनति होगी, लेना देना होगा। जो आया है जाएगा जरूर, जो पाया है तो देना भी पड़ेगा, लिया है तो देना भी पड़ेगा। और कुछ भी चीज दुनिया में जो भी आपकी जिंदगी में चल रही है, यहां तक के सांस भी लेने और देने में है, आएगी जाएगी। और ऐसे हम भी दुनिया में आए हैं तो जाना भी पड़ेगा, जन्म है तो एक दिन मृत्यु भी है। ये दो विपरीत चीजें, इनमें जब संतुलन बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं, तो बैलेंस बनाते समय हमारे अंदर एक बर्दाश्त की ताकत आती है, उसको कहते हैं तप। तप को कहा गया धर्म। इसे पालन करने से धर्म की शक्ति बढ़ती है। अगली बात पवित्रता। जितनी जितनी पवित्रता जिंदगी में आती जाएगी आप धार्मिक होते जाएंगे। अपवित्र होना ही अधर्म है। तो पवित्रता वाणी में भी, देखने में भी, बोलने में भी, करने में भी, खाने में भी, उठने में, बैठने में, पवित्रता का जितना पालन करोगे आपकी जिंदगी में सौभाग्य बढ़ेगा। जैसे जैसे ये चीजें घटने लग जाती हैं तो आपके जीवन का सौभाग्य हटने लगता है। इसे ऐसे भी समझ लीजिए, जितनी अपवित्रता घर में रहने लग जाए, बोलने में कड़वाहट, गाली गलौज, व्यवहार खराब, रहना सहना खराब, तो घर में आती है दरिद्रता। दरिद्रता जो है लक्ष्मी जी की एक बहन है और दोनों बहनें साथ साथ रहती हैं। एक बहुत ही बदसूरत है, लक्ष्मी जी तो वो तो है स्त्री शोभा, सुंदरता का नाम। तो जब आप घर में ठीक ढंग से नहीं रहते, जिंदगी में ठीक से नहीं रहते, व्यवस्थित नहीं रहते, घर का ठीक से देखभाल और संभाल नहीं करते, चीजें घर में पुरानी नई सबका ढेर पड़ा हुआ है, बोलने चालने में गंदी भाषा का प्रयोग, और जितनी भी अपवित्रता हो सकती सब है घर में, तो दरिद्रता देखकर बहुत प्रसन्न होती है। वो कहती है इसका घर कबाड़ी की दुकान है, तो ऐसे कबाड़ खाने में जाकर रहने में हमको बड़ा मजा आता है। तो दरिद्रता वहां जाके बैठ जाएगी और वहां से निकलेगी ही नहीं। बीमारियां भी कहती हैं यहीं रहना चाहिए, और जितनी भी बुरी चीजें हैं वो वहां पनपने लग जाती हैं। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अगर अपने घर में खुशहाली चाहते हैं तो दरिद्रता को बाहर निकालो और पवित्रता को लाओ। जितना जितना पवित्रता को लेते जाएंगे उतना उतना लक्ष्मी का प्रभाव आपके घर में आना शुरू हो जाएगा और कृपा रहेगी। हो सकता है कि कभी कभी लक्ष्मी का प्रभाव आपकी जिंदगी में कम हो जाए, लेकिन आप अपनी पवित्रता को बनाए हुए हैं। तो थोड़े दिन के लिए बाहर चली भी जाए लक्ष्मी, इधर जाए उधर जाए, तो उसके बाद उसको लगता है कि जहां पहले रहते थे ना वो जगह बहुत अच्छी है, और लौट के फिर आएगी।
और अगर आपने ठीक से ध्यान नहीं रखा फिर कितनी भी कोशिश करना वो रहेगी नहीं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गौरी शंकर विराट भक्ति सत्संग दिनांक 23 से 26 फरवरी 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा समय 23 से 26 फरवरी शाम 4:30 से 6:30 बजे, 24 से 26 फरवरी प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सत्संग स्थल ठक्कर डोम पीटीसी के सामने सिटी सेंटर के नजदीक नासिक महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 26 फरवरी 2023 दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन नासिक मंडल। संपर्क सूत्र सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7,000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम 25 मंदिर सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गाँव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।